गुड मॉर्निंग भाई। सुबह के बज चुके हैं 8 और धुंध देखो आज, पता नहीं किस चीज़ की भाई। कल पूरे रास्ते धुंध नहीं मिली कहीं पे। यहाँ सोसाइटी के पास में आने के बाद में पूरी इस तरीके की देखो बाहर, इस टाइम पे भी पता नहीं कौन सी धुंध पड़ रही है भाई। वो अभी सो रहे हैं और मैं करूँगा व्लॉग एडिट कल वाला। तो गाइस कुछ नाश्ता तो कर लिया था हमने, बट उसके बाद में हमारी हिम्मत नहीं है दोनों की, थोड़ा सा शरीर दुख रहा है दोनों का ही। हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसा बढ़िया, फील हो रहा है तुम्हें? चक्कर आ रहे चंडीगढ़ हैं। जाना है फिर दोबारा से? हैं? सबसे डांट गाली खिलवानी है मेरे को, क्यों, सबसे गाली खिलवानी होती है आपको। दिखाओ शकल तो दिखाओ। क्यों, क्या घर वाले सुना रहे हैं रात को क्यों निकले, वहीं पे रुक जाते हैं ये वो। सासू मोम भी रात ना रुकना स्को थे, इतनी लंबी ट्रैवलिंग में कुछ हो गया तो ये वो। उधर तो मम्मी और सोते लोगों, आए थे देख लो भाई। आपको ही पड़ेगी, मैंने तो सुनी है, पर आपको ध्यान रखना चाहिए ना। कह रहे इतना लंबा चल के गए हो, फिर वहां पे दिन भर खड़े रहे हो, रेस्ट हुआ नहीं, फिर वहां से निकल लिए हो, भाई जब रुक भी जाते हैं अभी मौसम, ये वो। अभी मौसम का अपडेट ये है कि थोड़ी धुंध तो हट चुकी है पर मौसम वैसा ही ठंडा ठंडा हो और रखा सोए है। नहीं है, 2-2:30 बजे पहुंचे और थे, उसके बाद ये तो सो गए। मैंने जैसे अपना फेस वॉश किया ना, वो लगा हुआ था मेकअप, तो उसके बाद मेरे को नींद ही नहीं आई 1-1.5 घंटे तक। और पता नहीं मुझे रात में ना, कहते प्रेगनेंसी में ज्यादा नींद आती है, मुझे रात को नींद ही नहीं आती है। तो कोई ऑप्शन बताना यार, क्या चक्कर है, क्यों नहीं आती? मतलब आती है बट अच्छी वाली नींद नहीं आती है। अभी भी ऐसे ना, ऐसे हो रहा है, चक्कर से आ रहा है, जैसे सो जाऊं पर नींद नहीं आ रही, लेट रही हूँ। तो सोचा कि कुछ काम ही निपटा लूं, नहा लेते हैं। मैं तो बालों में ये देखो कैसे हो रखे हैं, तो पहले इसमें ऑयलिंग करूंगी, कल इसको वॉश करूंगी, क्योंकि आज तो धूप भी नहीं निकली है। और फिर जाएंगे एक बार सोनू भाई के पास, उसकी तबीयत खराब हो रही है जब से हम गए हैं। अगर डॉक्टर के लेके जाना होगा तो डॉक्टर के लेके जाएंगे, क्योंकि मैं फटाफट नहा के जोत लगा दूँ, और मैं बर्तन कर लेती हूँ, तब तक ऑयलिंग कर लेती हूँ, फिर मैं नहा लूँ। ठीक चलो है, गाइस, तब तक आपको ना एक मस्त चीज़ के बारे में बता देता हूँ। ये वीडियो मैंने शूट किया हुआ है तो वो आप मैं डाल देता हूँ, तब तक आप उसके मजे लो, मैं तब तक नहा और के वो आता हूँ। अच्छी चीज है बहुत अच्छी यार, चीज़ है भाई। मतलब क्या बोलते हैं, नेचुरल हाँ नेचुरल चीज है वो, हमने खुद ट्राई करी है तभी बता रहे हैं आप लोगों को, ऐसी वैसी चीज नहीं, और जेन्युइन प्राइस में है। तो भाई पापा के लिए ना ये तेल मंगवाया है, ज्वाइंट केयर नाम है इसका, सनोवा कंपनी का है। और अभी आपको रिजल्ट बताते हैं कैसा रहने वाला है। लो बा, ले आओ ये मंगवाया। बाय बाय। ये आपके लिए मंगवाया था, आप बोल रहे थे ना काफी दिन से हाँ कि ये मेरे को मंगवाया दिक्कत जो है दिक्कत है, तो मैंने कहा चलो आपके लिए कुछ अच्छा मंगवाते हैं ओल इसका मोटा डाटा हो जाएगा। जो आपके लिए यूजफुल भी ले मैं हो। खोलूंगा, मैं थोड़ा लाइए एक दही साढ़े और लाना। हाँ ठीक है, हाँ बस होया, बाय बाय। करो मालिश करो इसकी टाइट टाइट सी। ये भाई जहाँ पे भी पेन हो, ज्वाइंट पेन, मसल पेन, नेक, शोल्डर, एंकल, जहाँ पे भी पेन हो आप यूज़ कर सकते हो और इसको। स्प्रे भी जैसे हल्की हल्की जो आयोडेक्स टाइप की होती है ना, वैसी सी है, और पर उसमें ज्यादा डार्क होती है ये एक पानी। आयुर्वेदिक पेन रिलीफ है भाई, मतलब वैसी मेडिसिन नहीं है। इसके अंदर आपका बहुत सारी तिल का तेल है, मेंथोल, क्लोव, ये जो जड़ी बूटियां होती है ना केवल उससे बनाया, ये कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ नहीं है इसके अंदर। दिखाना एक बार इसका रैपर दिखाना। तो ये है भाई बोतल, और खासकर जो जिम जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल है ये। जैसे वर्कआउट वगैरह करते हैं तो उस टाइम के ऊपर स्ट्रेचिंग हो जाती है बॉडी के अंदर, तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो बहुत ही। और खासकर ओल्ड एज लोगों के लिए तो ये समझो रामबाण इलाज है। मजे आ गए बा। ऐसे गरम गरम लग रहा ना और ये एक। हाउस वाइफ को, आपको भी बैक पेन रहता था तो आप भी लगा सकते हो हाँ, इसको। मेन चीज, मैं जैसे कई देर खड़ी हो जाती हूँ ना किचन में, तो बैक में दर्द होने लगता है, तो रात को जैसे सोते टाइम लगाऊंगी तो रिलीफ मिलेगा उससे। सही हो गया। तो भाई एक एक ऑयल के इतने सारे बेनिफिट हैं। एक स्नोवा बोतल कंपनी का ज्वाइंट केयर ऑयल है ये। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, जिसको भी चाहिए भाई ऑर्डर कर लेना, अपना मंगवा लेना। कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा मैं इसको। बस, बस इतना ही करना है, वह आप भी यूज कर लेना। ठीक है, ये ये रात को करूंगी मैं, अभी तो नहीं करूंगी सोते टाइम। ठीक है। पापा के तो कई दिन से हो रहा था, अब लगाई है ना उन्हें तो रिलीफ। आज एक 30 दिन है किसी ना। हमारे नॉन ने, किसी ने रिकमेंड किया था भाई ये, कि जी हाँ उन्होंने जी। पहले यूज करके देखा था ये 2-3 महीने तक अच्छा लगातार। ले भाई, बड़ी दवाई ले भाई।
गाइस मैं नहा के रेडी हो गया हूँ। जोत लगा दी मैंने, कुछ कंप्यूटर का काम था वो कर दिया है। ये अभी नहाए नहीं, इन्होंने ऑयलिंग करी है शरीर में, शरीर शरीर में नहीं, में ऑयलिंग करी है बालों में। बालों में करिए, क्योंकि कल वो लगा था ना स्प्रे वगैरह, लगा था कल, कराए थे तो ऐसे बोलते हैं ना। मैंने पहले भी बताया था कि कल करो तो फिर पहले ऑयलिंग करो फिर हेयर वॉश करो, इसीलिए अब जाऊंगी नहाने के लिए। थोड़ी देर में पानी गर्म हो रहा, गीजर ऑन है, फिर सीधा जाएंगे सोनू भाई के पास। गाइस हम लोग नहा के ऑयलिंग करी थी मैंने, तो हम आ गए हैं भाई भाभी के पास, मतलब जा रहे हैं। और आप सोचो कि वही कोट सेट डाला, वही नहीं डाला मैंने, ये मेरे पास दो आए थे, एक इनके लिए मंगवाया था। तो अच्छा, मैं भी कंफ्यूज था यार, ये दोबारा क्यों पहन के आ गए? अब मेरे क्या पता, मेरे कपड़े भी ये पहन लेते हैं यार। अब मेरे से पूछ रहे वही डाला है, हाँ वही डाला है, मेरे पास दो हैं सेम साइज सेम सारी चीजें, और ये बहुत ज्यादा कंफर्ट रहता है मुझे अभी फिलहाल प्रेगनेंसी में, इसलिए मैं ये डाल लेती हूँ। और मैंने कॉम भी नहीं किया, तबीयत बहुत ज्यादा डाउन है आज ना, मुझे ऐसे नहाने से पहले ना ऐसे चक्कर से आ रहे थे। पहले मैं बहुत देर लेटी रही, इसको 5 मिनट का बोल के मैं 1 घंटा लेटी रही, कह रहे थोड़ा शरीर सीख जाएगा तो नहा ले, फाइनली मैं नहा ली, बट अभी भी ना ऐसे हो रहा, बिल्कुल सर घूम रहा है। बट फिर भी भाई भाभी भी अकेले थे तो आ गए हैं, अकेले से तो दो अच्छे बोलते हैं ना। तो पहुंच गए हम लोग, और इसकी होगी तबीयत खराब, क्या मतलब क्या हो रहा है, बुखार है फिर के मम्मी के जाते बेटा बीमार हो लिया, देख ले मम्मी गई थी उस दिन इसका तोड़ हो लिया गते। जाती जाती सर्दी है ना। अच्छा गाइस आप सब कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को कोई आइडिया हो, गले में और कान में दर्द है ना, पापा तो पूछे, पापा ने बोला जुकाम गले में, जुकाम की वजह से हाँ होता है बोलते हैं ऐसे। कोई नहीं अब तो ठीक है ना, दवाई वगैरह सब ले ली, ये लेनी है थोड़ी देर। अच्छा मित्तू चले गए थे बाहर, कोई काम था उनको, और भाभी को भी दवाई ली है, मतलब इसने टैबलेट, कह रही इसके साथ रह के इसने मुझे भी बीमार कर दिया। ऐसा फील होता है ना जब एक आदमी घर में बीमार होता है, तो ऐसा फील होता है अरे यार मेरा भी सर फट रहा है वैसा इसके साथ हो रहा है, इसने भी दवाई ली है। अब लग गई भूख, देखूं कि बनाऊंगी कुछ खाने का, मन ने खुद मारे, मेरी मम्मी जाए पीछे ही हो सीन हो, सारे बीमार मन सुबह तो खुद ऐसे चक्कर आ रहे हैं ऐसे यूनिट के मारे। मित्तू कह रहे सो जा, आईज भी देखो स्वेलिंग स्वेलिंग लग रही होगी आपको, सोई नहीं मैंने कहा नहीं अब तो सीधा रात को ही सोऊंगी। तो गाइस नमकीन चावल बनाने की सोची थी, को नहीं बनाए क्योंकि इसने दवाई ली तो बोले हमको नहीं खाना, तो ठीक है मैं जाऊं, मैंने लग गई भूख, मैं जाकर चावल बनाऊं क्योंकि मित्तू का चावल खाने का मन है, और शाम तक तो मम्मी आ लेगी 2-2.5 घंटे में। क्या किया आपने इतनी देर, पीछे से भूख लगी इतनी तेज? गाइस मैं चला गया था कहीं पे, कोई मिलने के लिए आया था, और मैं तो डर के मारे, मम्मी के डर के मारे भागा ही, अभी थोड़ी देर में आने वाले थे, मगा जाते मेरा नंबर चढ़वाओगे मैं आ गई, मैंने कहा भाई भूख लग रही है मैं तो वहीं जाकर बनाऊंगी अपने, मैंने खाती, बोले ना शाम के रोटी सब्जी यहीं खा के चली जाइयो, मैं कहा ना मैं जाकर बना लूंगी, सही है मैंने फिर आया, जितनी तबीयत खराब है ना उस तो डबल कर देगी मम्मी, तन्ने मार मार खाते और आते ही तो, क्योंकि शाम ने मम्मी थकी आओगी तो आओगी नहीं, कल तक भूल जाएगी, आज थोड़ी ताजा ताजा सी बात थी तो भाई घर जाने के बजाय ना हम कहीं वापिस आ गए, चौक की तरफ आ गए कुछ चटपटा खाने के लिए। हमने मैंने बनवाया है बर्गर, एक बाइट दूंगा बस इनको, और ये खाएंगे अंगूर अपने, ठीक है तुम्हें अंगूर खाने हैं, खाली एक बाइट मिलेगी आपको बस, ओके। बट ये लगता है आपको एक बाइट से मानेंगे नहीं, नहीं मेरा अंदर से वो उसकी क्रेविंग हो रही है, भिंडी की सब्जी बनाऊंगी रोटी के साथ वो खाऊंगा, ओके। बेबी के साथ नो चीटिंग नो जंक फूड ओनली हेल्दी फूड, ओके। गाइस और गाइस आज इनको ना खेलने के लिए ये ला के दिया है कि बैठे बैठे ना खेलते रहेंगे पूरे दिन, इसमें एक कैसा लगा करना आपको? है ना, कब तक कर दोगे आप? एक लाइन में तो ब्लू कर दिया। अच्छा चलो भाई, जब भी पूरा हो जाएगा 6 महीने साल 2 साल 4 साल तो जरूर दिखाएंगे आप लोगों को।
किस किस को आता है भाई, करना ये बताना एक बार कमेंट में। कभी नहीं होता, पहले बचपन में भी था मेरे पास मित्तू, ये पता है आपको। देखो और करने वाले ना कई इतने सेकंडों में कर देते हैं इसको। देखो इसमें व्हाइट है, इसमें ब्लू है, अब इसमें रहेगा। अब इसको कैसे करूं वो समझ नहीं। गाइस ये देखो इनका आ गया खाना। इनका ना आज कुछ चटपटा खाने का मन था तो खा रहे हैं, मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरे को इनको देख कैसे लग रहा कैसे खा रहे हैं पता नहीं क्यों। बाहर का भी अपने आप ही ना ऐसे मन सा भर गया मेरा, ऐसा करता घर का खाना मिल जाए रोटी सब्जी अपने लिए जाके बनाऊंगी। इनको पता नहीं कैसे मन कर गया खाने का। ये सोच रहे थे मैं चिढ़ूंगी इसलिए खा रहे हैं, मेरा मन ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी भिंडी की सब्जी हो गई रेडी, बंद कर दिया है, आटा बना के रख दिया है। तो गाइस इधर हो रहा है मेरा दूध थोड़ा सा गरम, हल्का सा गरम करूँगी और इधर मेरी जो है भिंडी फ्राई हो रही है और इधर मैं लूँगी कैल्शियम वाली दवाई, विटामिन वाली सॉरी। वैसे विटामिन वाली जो दवाई है ना वो शाम को लेते हैं खाना खाने के बाद, बट आज मैं जल्दी ले रही हूँ क्योंकि आज मेरा ना क्योंकि ठंड कम हो गई अभी, तो डिनर में ना मेरा दही लेने का मन कर रहा है तो दही खाऊंगी भिंडी की सब्जी के साथ। तो मैं सोच रही हूँ दवाई अभी ले लेती हूँ और विटामिन वाले दूध के साथ ही लेते हैं। तो बस आटा बना दूँगी, थोड़ा जल्दी डिनर करेंगे, जल्दी खाएंगे। और मम्मी अभी आ गए हैं वहाँ पे, कह रहे थे मिलने आ जाओ, मैंने मम्मी एक सीढ़ी चढ़ने की भी हिम्मत नहीं है। और आप लोग भी बताओ, सुबह मिलेंगे। और बस अब बनाऊँगी आटा वट्टा, आज थोड़े जल्दी सो जाएंगे। गाइस इधर हमारी सब्जी बन रही है और मैं जा रहा हूँ किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर, तब तक इधर भिंडी तो प्याजा चलेगा। इन्होंने दूध गर्म किया है, ये दो प्रोटीन वाले बिस्कुट खाएंगे इसके साथ में। समझदार हो गए वैसे आजकल आप, जिस दिन से डॉक्टर ने कहा ना उस दिन से दूध पीने लग गए। और मैं 3 महीने से कह के छिक लिया भाई, दूध पी लिया करो, दूध पी लिया करो। ना 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 ना, क्या मतलब दूध पी ले एक गिलास भी। तो अब मिलेंगे शाम को, ये जाएंगे मैं थोड़ी देर ना दूध पी के रेस्ट करूंगी, जाएंगे आराम से टीवी देखना, तब तक सब्जी बना दी, आटा बनाऊंगी, जोत लगाऊंगी, ये जाके आएंगे, फिर जब आ जाएंगे फिर हम रोटी खाएंगे क्योंकि तबियत आज ऐसी सिस्टम लगे हुए डाउन है भाई बिल्कुल। और अब मैं पीऊंगी दूध और दवाई लूंगी साथ में। तो मैं थोड़ी देर लेट गई थी और मेरे को ऐसा लग रहा था कि ना नींद ही आ जाएगी और मित्र तो अभी तक आए नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए तब तक दो रोटी बना के खा लेती हूँ। वो आएंगे फिर उनके साथ भी अगर भूख लगी तो खा लूँगी क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं अपनी बना लेती हूँ खा लेती हूँ। तो मैं अपने लिए ना थोड़ी सी सब्जी और दो रोटी ले आई हूँ, ये खा लेती हूँ। गाइस मैं भी आ गया हूँ और इधर हो रहा हमारा डिनर, इन्होंने दो रोटी खा ली है, बस दो रोटी मेरी बनाई है। तो आज के ब्लॉग के करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे कल नए ब्लॉग के साथ में। और अभी बहुत एक्साइटिंग ब्लॉग आने वाले हैं क्योंकि हम जाने वाले हैं ट्रिप पे, आप सबको पता है। और कहाँ जाने वाले हैं, कब जाने वाले हैं, वो जल्दी ही आने वाला है वो टाइम भी, तो उसके लिए शॉपिंग भी करनी है। और एक चीज और मुझे बताना कि आप लोग मेरे को कमेंट करें, जब से मैंने प्रेगनेंसी का अनाउंस किया है कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है अभी तक, तो मैंने वो नहीं बताया है। तो अगर आप लोग बोलोगे कि आप लोगों को ये जानना है, कमेंट आ रहे हैं, तो इस वाले ब्लॉग में भर भर के कमेंट करना चाहिए, तो कल वाला ब्लॉग फिर मैं वही बनाऊंगी। ठीक है, ओके, बाय बाय बाय।